아까부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों त्योहारों का मौसम है और कोई भी त्योहार बिना मिठाई के तो बिल्कुल फीकी सी लगती है, लेकिन त्योहारों में इतनी मिठाई खाने के बाद हम अपनी सेहत की भी फिक्र करने लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत का भी बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखेगा। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी अंजीर और खजूर से बनी है बर्फी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, एकदम शुगर फ्री है, काफी हेल्दी है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो इस दिवाली में अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक ऐसी मिठाई चाहते हैं जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो ये अंजीर और खजूर से बनी बर्फी एकदम परफेक्ट चॉइस है। तो चलिए इससे पहले की अमेजिंग रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं आज की दिवाली स्पेशल मिठाई अंजीर और खजूर से बनी ये बहुत ही डिलीशियस बर्फी। तो इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम अंजीर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। इनमें नेचुरल शुगर होता है तो इसके लिए इसमें आपको शुगर डालने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। तो चलिए पहले हम इसे सोक करेंगे। तो इसको सोक करने के लिए आपने यूज करना है गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 2 कप गर्म पानी। अब हम इसे करीब 2 घंटे तक अच्छे से सोक होने देंगे और तब तक हम देख लेते हैं बाकी और कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है करीब 150 ग्राम खजूर। इसमें से मैंने बीज निकालकर इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। खजूर भी आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। और साथ में मैंने ले लिया है करीब 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम पिस्ता। इन सबको भी मैंने अच्छे से चॉप करके यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम इन नट्स को रोस्ट करेंगे। तो इनको रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसको हम हल्के से थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किए हुए नट्स, यानी कि जो काजू पिस्ता और बादाम हमने चॉप करके रखे हैं उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम एकदम लो फ्लेम पर इन सारे नट्स को रोस्ट करेंगे। करीब 2 मिनट तक आपने इनको रोस्ट करना है जब तक कि इनका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए और इनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये मिठाई ऐसी है जिसमें कि नेचुरल शुगर है। इसको आप बिना फिक्र के, बिना किसी गिल्ट के अपने बच्चों को दे सकते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी खिला सकते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इस मिठाई को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के। तो देखिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपने इसको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो इसको हम प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 100 ग्राम काजू। ये ऑलरेडी सील्ड बैग में है। अगर ये सील्ड बैग में ना हो तो आप इसे किसी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में करीब 3 से 4 घंटे तक के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ठंडे भी हो जाए और क्रिस्प भी हो जाए। फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप रूम टेम्परेचर वाले काजू को ग्राइंड करेंगे तो उसमें से तेल निकलने लगेगा और उसका पाउडर बनके तैयार नहीं होगा और हमें इसे पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक महीन पाउडर बन जाए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना है, लगातार नहीं चलाना है। करीब 5-5 सेकंड्स के गैप में आपने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के तैयार करना है। अब हम इस पाउडर को छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि अगर कोई काजू अच्छे से पिसा ना हो तो वो छन्नी में निकल आएगा, उसको हम दोबारा से पीस कर उसका पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे अगर आप ना भी छाने तो चलेगा क्योंकि वैसे भी हम इसमें चॉप नट्स तो डाल ही रहे हैं। तो देखिए हमारे ये काजू का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और अब इसी ग्राइंडर जार में मैं ले लूंगी चॉप किए हुए खजूर। इसको भी हमने एकदम बारीक पीसना है। इसका एक बारीक पेस्ट आपने बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको ग्राइंड करते वक्त आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आपने इसको ऐसे ही ग्राइंड करना है बिना कोई पानी ऐड किए। तो देखिए इसका पेस्ट भी बिल्कुल तैयार है। तो इस खजूर के पेस्ट को भी हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो काफी बारीक ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह का पेस्ट आपने भी बनाकर तैयार करना है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे और अब मैं यहाँ पे ले लूंगी सोक किया हुआ अंजीर। इसको हमने 2 घंटे तक के लिए अच्छे से सोक करके तैयार कर लिया है। इसके पानी को हम छन्नी से छानकर एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। पानी एकदम आपने इसमें अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेना है।
आप चाहे तो हाथ से भी पानी को निचोड़ कर निकाल सकते हैं। गर्म पानी में सोख करके रखने की वजह से अंजीर काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और ये देखिए काफी फूल भी चुके हैं ये। इनको भी हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसका भी हमने एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि अंजीर की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है तो मैं इसे दो बैचेस में ग्राइंड करके तैयार कर लूंगी। तो चलिए फटाफट इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसे अच्छे से सोख किया है तो ये काफी अच्छे से बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो देखिए इसका ये पेस्ट बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। इसको भी हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरह से मैं सेकंड बैच को भी ग्राइंड करके उसका भी पेस्ट बना के तैयार कर लूंगी। आप में से किस किस को अंजीर पसंद है? मुझे तो ये काफी पसंद है। और ये देखिए सेकंड बैच को भी हमने यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसका भी पेस्ट तैयार है। इसको भी हम इसी बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और चलिए फटाफट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ अंजीर का पेस्ट। और अंजीर का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इससे इसका फ्लेवर काफी इनहेंस हो जाएगा। और अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इसका मॉइस्चर जो है वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि हमने इसे पानी में सोख करके रखा था तो इसमें हल्का सा पानी होगा, वो पानी अच्छे से पूरा निकल जाना चाहिए, पूरा इवेपोरेट हो जाना चाहिए। तब तक हमने इसे फ्राई करना है, करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से भुन चुका है, इसका मॉइस्चर भी काफी कम हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ खजूर का पेस्ट। खजूर को ग्राइंड करते वक्त हमने उसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा, इसलिए हम इसको बाद में ऐड कर रहे हैं। और खजूर के पेस्ट को ऐड करने के बाद हम खजूर और अंजीर को दोबारा से 2-3 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर भी आ गया है, कलर एकदम चॉकलेट की तरह लगता है इसका। और ये देखिए हमारा खजूर भी अच्छे से काफी सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ काजू का पाउडर। काजू और खजूर अंजीर को बाइंड करने में हेल्प करेगा क्योंकि अंजीर जो होता है काफी सॉफ्ट होता है टेक्सचर में, तो ये काजू का पाउडर और खजूर जो है उसको एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी देगा। तो काजू के पाउडर को डालने के बाद भी अब हम इसे दोबारा से थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, करीब 1 से 2 मिनट तक आपने इसी तरह से लगातार चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पर इसको पका लेना है। और देखिए ये एकदम काफी थिक हो चुका है, साइड में से घी भी नजर आ रहा है। इसमें अब मैं डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा और घी। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप ऊपर से घी डालते हैं ना तो इसका स्वाद जो है वो और दुगना हो जाता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए नट्स, जिनको कि हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा है। इसको हम इस खजूर और अंजीर के पेस्ट में ऐड कर देंगे और अब हम इन नट्स को अच्छे से अंजीर और खजूर के पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिला लेना है, इवनली आपने इनको मिक्स करना है। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे थोड़ी देर बस और पका लेंगे जब तक ये अच्छे से आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दूंगी। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बेकिंग टिन। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं हल्का सा ग्रीस कर लूंगी तेल से और अब इस ग्रीस किए हुए टिन में मैं लगा दूंगी पार्चमेंट पेपर। इससे क्या होगा कि मिठाई को टिन से बाहर निकालते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से निकल आएगा और साथ में मिठाई का शेप भी खराब नहीं होगा। तो मैं इस तरह से दो तरफ से पार्चमेंट पेपर लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि इसको पुल करने में, मिठाई को बाहर निकलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप छोड़े शीट को बाहर की तरफ ताकि आप उसको अच्छे से पकड़ पाएं। और अब तैयार किए हुए मिठाई के मिक्सचर को हम इस टिन में फिल करेंगे। तो एक स्पैचुला की मदद से इसी तरह से धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम इसको पूरे टिन में इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया और कितनी आसानी से हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो रही है। अच्छे से आपने इसके सरफेस को स्मूथ कर लेना है स्पैचुला की मदद से और बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। अब ये मिक्सचर काफी गर्म है और जैसे ये ठंडा होगा ये अच्छे से अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो देखिए इसके सरफेस को मैंने अच्छे से एकदम स्मूथ कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और अब एक पैन में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे करीब 1 मिनट तक के लिए एकदम लो फ्लेम पर। इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपने इसको रोस्ट कर लेना है। तो ये अच्छे से तैयार है, फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और अब इस तैयार किए हुए इस रोस्ट किए हुए पॉपी सीड्स को हम इस मिठाई के मिक्सचर के ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और पॉपी सीड्स भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और पॉपी सीड्स को अच्छे से मिठाई मिक्सचर के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद हम इसे स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये मिठाई के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब हम इसे सेट होने के लिए करीब 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही काउंटर पर छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ये काउंटर में भी बड़े अच्छे से आराम से सेट हो जाते हैं। और ये देखिए करीब 5 घंटे के बाद अब हम इस मिठाई को इस टिन से बाहर निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो ये जो एक्स्ट्रा शीट मैंने लगाई है पार्चमेंट पेपर की, इसकी वजह से बहुत ही आराम से ये मिठाई इस टिन से बाहर निकल आएगा।
तो आप भी इसी आइडिया को अपनाकर ये मिठाई एक बेकिंग टिन में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने आराम से हमारी ये मिठाई इस टिन से बाहर निकल आई, इसका शेप भी खराब नहीं हुआ और ये बहुत अच्छे से सेट हुआ है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये बर्फी बनकर तैयार हुई है। और अब आप इसे अपनी मनचाहे शेप, अपने मनचाहे साइज में काट कर तैयार कर सकते हैं। मैं इसे चौकोर साइज में काटने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से ये कट रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सेट हुए हैं। और ये बर्फी काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, मुंह में जाते ही एकदम घुल सी जाती है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होती है। और अगर आपको पॉपी सीड्स पसंद नहीं है तो आप पॉपी सीड्स की जगह नॉर्मल पिस्ता से भी इसको सजाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उसे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और आपकी दिवाली को और ज़्यादा स्पेशल बना देंगे। तो देखिए हमारी अंजीर और खजूर से बनी बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है, लग रही है ना एकदम परफेक्ट और बहुत ही शानदार। और देखिए इसे बनाना भी कितना आसान है, झटपट आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यही मिठाई अगर आप हलवाई की दुकान से लेंगे ना तो बहुत ही महंगी मिलती है और उसकी फ्रेशनेस और प्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस दिवाली आप इस बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी मिठाई को घर में ही बनाकर तैयार करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे एंजॉय करें और अपनी इस दिवाली को और ज़्यादा स्पेशल बना दें। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी ये बर्फी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो एक बार मेरे कहने पर ये बर्फी आप एक बार घर में बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं फटाफट इसे टेस्ट कर लेती हूँ और ये बर्फी काफ़ी अच्छी बनी है दोस्तों, काफ़ी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जा रही है। इसमें नट्स का क्रंच बहुत अच्छे से आया है, साथ में इलायची का फ्लेवर भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। और इस बर्फी में अंजीर और खजूर की जो नेचुरल मिठास है ना वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। तो ऑल इन ऑल एक परफेक्ट बर्फी है इस दिवाली में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज ये अंजीर और खजूर से बनी बर्फी आपको पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। दोस्तों आपके और आपके परिवार को मेरी ओर से दिवाली और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये दिवाली और ये नया साल आपके और आपके परिवार के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।